हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th का पार्ट 6 प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के लिए, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हमने 5 वीडियो देखा है और उन पिछले पांच वीडियो में हमने बहुत चीज सीखा है, जैसे कि बहुत सेट पढ़े हैं, बहुत फॉर्मूले पढ़े हैं और ये भी पढ़ा है कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने नीचे दे दिया है, ठीक है। तो आइए अब हमने सेट फोर लिख करके छोड़ दिया था और उसके कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए थे, तो हम आते हैं सेट फोर क्या क्या लिखे थे थोड़ा सा आज लिख देते हैं। सेट नंबर 4 में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा था, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स सेट 4 का कुछ फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्ज माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्ज एक्स, और कल इसका प्रूफ भी बताया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए आए हैं अभी, तो पीछे पहले देखे और फिर इसको देखे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी लिखा था, 3 फॉर्मूला हमने लिखा था और ये भी लिखा था कि ये कौन कहां किसके बीच बिलोंग्स करता है, तो इन सारे बातों को हमने बता दिया है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने नहीं दिए हैं, तो देखिए कुछ इस एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि साइन इनवर्ज माइनस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, तो बहुत आसान सा सोल्यूशन है, क्या करेंगे जैसे वैसे लिख देंगे साइन इनवर्ज, ठीक है। पहले फॉर्मूला के अनुसार माइनस बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या 1/2, ठीक है, और फिर माइनस साइन इनवर्ज। हमने जैसे पहले क्वेश्चन सोल्यूशन किए थे टाइप फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कर चुके हैं टाइप फर्स्ट में, और सेट वन का टाइप फर्स्ट में हमने बहुत ऐसे एग्जांपल्स किए हुए हैं। तो ऐसे में उसमें हमने बताया था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम मिले, सपोज अभी कि ये माइनस नहीं है, तो हम अंदर पहले बाहर देखेंगे कि क्या है, साइन है, तो बाहर जो साइन है ना, तो अंदर वाले को हम सोचेंगे कि साइन में कितनी वैल्यू होती है, 1/2 कब होता है, तो हमें बात पता है ना साइन पाई बाय कितना पर होता है, 3 पर होता है, बहुत गलत, पाई बाय 6 पर होता है। तो यहां से पाई बाय 6 पर कितना होता है 1/2 होता है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। और ये भी बात हमें पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कितना होता है थीटा, तो ये हमारा थीटा ये बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, और एक देख लेते हैं जैसे टेन इनवर्स माइनस 1, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस 1 है और इसका हमें बनाना है, तो कैसे करेंगे, पहला काम माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा ऐसा, तो क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर ऐसा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ये कर लेने के बाद हमें क्या सोचना है, 1 कब होता है 10 में, अब 10 में ही क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि बाहर क्या लिखा है 10 लिखा है इस कारण से, तो हमें पता है 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। अब ऐसे में फॉर्मूला हमने सेट 1 जब पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि टेन वर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, और देखिए पहले से माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया और थीटा है वो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सेट 4 के कुछ एग्जाम्पल देख लिए, और बाकी के एग्जाम्पल्स यानी कि बाकी के क्वेश्चन हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब बनाएंगे। आपसे जितना हो सके क्वेश्चन आप बनाते रहिए, और नहीं बनेगा वो तो हम एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो पुनः बनाना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5। देखिए सेट 5 में भी 3 फॉर्मूला है, कल जो बचा था ना वही 3 है। तो पहला है कॉस इनवर्स माइनस 1, ध्यान दीजिएगा इसको भी हम प्रूफ करेंगे, पर अभी इतना जानिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहां पर जो एक्स बिलोंग्स करता है माइनस 1 से प्लस 1। अब क्लोज इंटरवल का मीनिंग हम समझा चुके हैं आपको, क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है कि उसमें 1 और माइनस 1 दोनों इंक्लूड होगा। उसके बाद हम लिख देते हैं अगला सूत्र sec इनवर्स माइनस एक्स, इसका भी होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और यहां जो एक्स बिलोंग्स करता है माइनस इंफिनिटिव टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटिव, ये होता है, ठीक है। तो ये 2 हो गया फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आप सोच सकते हैं कौन बचा है, cot इनवर्स x का, जैसे में ये भी इसका सूत्र यही होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, और ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे, यहां पर जो x है ना वो बिलोंग्स करता है
माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यानी इसके बीच में ही आंसर रहेगा। अब ये ओपन इंटरवल क्यों, तो हमने आपको ग्राफ बताया था कॉट इनवर्स का ग्राफ, तो उसमें बताया था ना, तो ये जो है ना कि टच नहीं कर रहा था ऐसे, तो मतलब उस तरफ चला जा रहा था, तो अगर उस तरफ जा रहा है तो क्या कभी टच करेगा, नहीं करेगा, तो हम इन्फिनिटी को लेंगे, नहीं लेंगे, तो ठीक है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये हमने तीन फॉर्मूलों को तो लिख दिया, अब इसका प्रूफ कैसे करें, तो हम दो कर लेते हैं और एक खुद से आप प्रूफ कर लीजिएगा, अगर हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हो गया, और नहीं हुआ तो भी करिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट की नहीं हुआ हम फिर से कर देंगे, ठीक है। तो हम पहला का प्रूफ करते हैं कि जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है वो इक्वल टू इतना के बराबर होता है। अब कैसे होता है ये बातें को हमें प्रूफ करनी है, तो ध्यान दीजिएगा, कल जैसे हमने किया था ना उसी तरीके से आज भी करेंगे, बस एक काम करेंगे जो है ना, मान लेंगे वो कि थीटा के बराबर है, तो आपको ये बात पता होगा ना कि इनवर्स हटेगा तो उस तरफ जाएगा, तो सिंपल इस तरीके का फॉर्म यूज हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और एक बात आपको ये बात पता होगा, क्या हम बता रहे हैं अभी आपको लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्लास इलेवेंथ में हमने आपको एक बार सिखाया था कि जो माइनस कॉस थीटा है, जो माइनस कॉस थीटा वह बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा के, यानी हमने आपको ये बात बताया है कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। और ध्यान से देखिएगा, इधर कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो हमने एक्स लिख दिया, और ये जैसे वैसे हमने आपके सामने लिख दिया। अब एक काम करना, बस एक ही काम करना है, वो हमारा सूत्र हो जाएगा प्रूव्ड। देखिए क्या करेंगे, ये एक्स है ना, तो एक बात समझिए, इधर एक्स है और इधर कॉस जैसे वैसे लिख देंगे। अब देखिए क्या किया हमने कि इधर कॉस को इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स में आएगा ना, यानी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर इधर क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, इतना क्लियर है। अब देखिए काम करते हैं कि यहां पर हम थीटा के वैल्यू को रख देंगे, वो हमारा काम बन जाएगा। वो क्या कर देते हैं कि हम कॉस इनवर्स एक्स और इसको हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई होगा ना, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इजिली। अब एक काम करते हैं, थीटा के मान रख देते हैं, यानी थीटा का मान रखने पर, तो जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू देखिए किधर लिखा गया, यहां पर लिखा गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया, और बाकी के इस तरफ क्या आया है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आया, तो इस तरीके से हमें देखिए यही ना प्रूफ करना था, और हमने ये बात को प्रूफ कर लिया कि यह जो है इतने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात को हमने प्रूफ कर लिया कि इतने के बराबर होता है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे, अब हम इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन नंबर, हम इस पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाट, आपसे पूछ दिया गया है कि इतना की वैल्यू किसके बराबर होगा, तो सॉल्यूशन पहला का हमें एक बात पता है ना, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू कितने के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, तो इसलिए लिखेंगे क्या कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू क्या पाई माइनस, और देखिए ये माइनस में था तो इस तरफ सिंपल प्लस में आ गया, एस फॉर्म में चेंज होकर के, तो ये माइनस एस हटेगा ना, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स वन बाई टू, सूत्र पर हमने इसको क्या कर दिया तोड़ दिया, फिर पाई है तो पाई, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स। अब देखिए वन बाई टू, वन बाई टू कॉस में कितनी की वैल्यू होता है कॉस पाई बाई थ्री की, बहुत अच्छा कॉस पाई बाई थ्री होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं ना इसकी वैल्यू कब कितनी होती है, तो मैंने पार्ट टू बनाया है, जब क्लास टेन पढ़ा रहे थे ना तो पार्ट टू बनाया है, तो उसमें पार्ट टू में आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम, और ट्रिक भी बताया कि कैसे उसको याद करते हैं, तो आप उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो
मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया। ये भी बात आपको पता है, कॉस इनवर्स जो कॉस थीटा होता है, उस किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर हम वन लिख सकते हैं और थ्री वन कैल्सियम थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, थ्री पाई और माइनस पाई, और घटाएंगे तीन पाई में से एक पाई घटेगा तो क्या बचेगा, टू पाई। तो हमारा आ गया आंसर टू पाई बाई थ्री। तो इस तरीके का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हम और एक दो एग्जाम्पल्स और एक एग्जाम्पल्स देख ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक एग्जाम्पल हम आपके सामने ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ गया कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू। तो देखिएगा आप इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, परंतु जो अभी हमने सेट पढ़ा है सेट नंबर फाइव, तो उस फॉर्म के अनुसार हम इसे बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे हम सोल्यूशन करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या पता है आपको, माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखिए पहले के अनुसार भी बना सकते हैं, कैसे आपको रिलेशन पता है ना, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में, और दोनों इक्वल होना चाहिए और है, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई टू। तो ये तो बात पता हो गया, एक वाला पहली विधि तो होगी, लेकिन दूसरी विधि से हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। फिर प्लस देखिए, ये आपको अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, तो इसको हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, क्लियर। ओके बहुत अच्छा। अब देखिए साइन इनवर्स और ये वन बाई टू साइन में कब होता है, साइन पाई बाई फोर पर होता है, इतना क्लियर है। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर पाई है तो पाई, फिर माइनस, फिर देखिए कॉस इनवर्स और ये कब होता है, कॉस पाई बाई फोर पर ही होता है, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, फिर प्लस पाई है तो पाई, फिर माइनस है तो माइनस, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे, यहाँ पर हम वन दर्शा सकते हैं, फिर चार वन चार कैल्सियम हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस देखिए वन फोर जा फोर, और फोर में पाई से गुणा करिएगा तो फोर पाई, एलसीएम में आपको तो आना चाहिए बहुत इजी तरीके से। और ये देखिए पाई, और देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी माइनस पाई माइनस वन पाई कितना हो जाएगा, माइनस टू पाई, अब प्लस फोर पाई, पाई कितना है फोर है, तो फोर हमने लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा गया है माइनस टू पाई प्लस फोर पाई, जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, टू पाई, और बटा में कितना हो जाएगा फोर, तो देखिए दो दो नहीं चार, आंसर कितना आ गया पाई बाई टू। हमें पहले ही पता चल गया था आंसर की पाई बाई टू आएगा, पर हमने मेथड वाइज किया कि इसका आंसर कितना होना चाहिए या फिर आ रहा है कि नहीं, हमने ये क्लियर कर लिया। तो हमने सेट फाइव का एग्जाम्पल प्लस में प्रूफ हर एक चीज हमने आपके सामने शेयर किया। अब हम चलते हैं सेट नंबर छह की ओर। देखिएगा ध्यान से दोस्त, सेट नंबर छह में दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है इनकी खत्म, देखिए दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई होता है। दो फॉर्मूला होता है। देखिए दूसरा क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई। यही दो फॉर्मूला होता है। याद कैसे करिएगा दोस्त, तो देखिएगा याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। यहां पर अगर प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा और टेन बाहर और एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई। फिर लिखिएगा वन और घटा दीजिएगा, ये उल्टा साइन, यानी ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, ये याद रखिएगा ठीक है। ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो ये याद करने का ट्रिक है। और दोनों में बात देखिए थोड़ा सा अंतर है साइन का। अब सवाल है इसको हम प्रूफ कैसे करें, तो देखिए हम एक प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी के आप दूसरा खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हैं, बार बार करते आ रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं करके दे दूंगा ठीक है। तो इसको ना हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रूफ बहुत आसान है। क्या कैसे आसान है, तो देखिएगा आप इसको ना कुछ मान लीजिए, यानी मान लीजिए कि माना कि tan इनवर्स x वो a के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बात पता होगा ना कि अगर ये ऐसा है तो जरूरी होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a। ये बात आप कमे से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो रहा है नहीं। अब देखिए इसी प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं, पुनः
टेन इनवर्स वाई को हम मान लेते हैं बी के बराबर है, तो ऐसे में अगर ये ऐसे है तो जरूरी है कि वाई जो होगा ना वो टेन बी के बराबर होगा। ये बात आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इधर हमें प्रूफ करना है टेन में, तो हम एक बात लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, तो क्लास इलेवेंथ में पहुंच जाइए, क्योंकि ये क्लास इलेवेंथ की बातें है। क्या है देखिएगा, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये होता है फॉर्मूला जो कि क्लास इलेवेंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे वैसे हमने लिख दिया, फिर इज इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दिया। टेन ए की वैल्यू ढूंढिए, कुछ दिया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छा एक्स है, जो बोले हैं वो जीनियस है, जो नहीं बोले वो भी है, ठीक है। टेन बी कितना है, वाई है, फिर बटा लिखना है वन है तो वन, माइनस है तो माइनस। टेन ए कितना है, एक्स है, टेन बी कितना है, वाई है, क्लियर है। अब देखिएगा, और इधर टेन सिंपल में है तो इस तरफ जाएगा तो इन्वर्स ना होगा ना, यानी बचेगा क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा और इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई होगा ना। अब देखिए एक काम करना है, ए और बी के मान को रख देना है, तो क्या लिखेंगे, ए तथा बी के मान रखने पर, ए और बी का मान रख देंगे और आसानी से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। देखिए ए का मान ढूंढिए, कहां माने टेन इनवर्स एक्स माने हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस बी का मान देखिए क्या माने हैं, टेन इनवर्स वाई माने हैं हमने, तो टेन इनवर्स वाई, फिर देखिएगा इक्वल टू। अब देखिए जो आया सो, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड। और हमें क्या यही ना प्रूफ करना था, और कोई दूसरा प्रूफ करना था क्या, नहीं। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया कि कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये बातें को हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। तो आज के लिए अब हम इतना ही रखते हैं दोस्त, अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।